हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके ब्लॉग्स एंड टूर्स के एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली के कश्मीरी गेट वासुदेव घाट में, जो कि दोस्तों पिछले कुछ महीने से इसका काम चल रहा है और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी भी ये घूमने लायक हो गया है। यहाँ पर आपको हरिद्वार जैसे गंगा आरती देखने को मिलती है, वैसे ही इस जमुना घाट पर यहाँ पे आपको यमुना आरती देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और आपको दर्शन कराऊंगा यमुना घाट आरती के। दोस्तों इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो इसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 7 से आप जैसे ही एग्जिट लेंगे तो बाहर आकर आपको ये फुटओवर फ्लाई ओवर दिखेगा। यहाँ से आप नीचे उतरेंगे और कोई 100 मीटर दूरी पर आपको ये दिल्ली विकास प्राधिकरण वासुदेव घाट देखने को मिल जाएगा। इसमें आप अंदर चलेंगे तो दोस्तों जैसे ही बाहर से आप अंदर आएंगे कुछ इस तरह से आपको इस घाट का व्यू देखने वाला है। वासुदेव घाट जो अभी बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से है ये देखिए। तो दोस्तों यमुना घाट आरती अभी स्टार्ट होने में काफी समय है, 7 बजे के बाद वो आरती स्टार्ट होगी। तब तक दोस्तों मैं आपको यहाँ का टूर करा देता हूँ, किस तरीके से बनने वाली है और क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या यहाँ की डेकोरेशन होने वाली है और बाकी काफी कुछ है देखने को जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। गेट से जैसे ही आप अंदर आएंगे इस तरीके से आपको उचान देखने को मिलेंगे, इनको उचान कहते हैं ऐसा मैंने यहाँ सुना है, वैसे तो हम इसको मंडप भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेंगे, काफी सारे बनाए गए हैं। आने वाले समय में यहाँ पे नृत्य होगा, इन पे शायद भजन गाए जाएंगे बैठ के या फोटो शूट भी हो सकता है। बाकी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, 1-2 मंजिला उचान यहाँ पे बनाया गया है जिसके अंदर काफी भारी घंटा टंगा हुआ है, तो मैं आपको इसके पास लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा घंटा ये टांगा हुआ है और मैं आपको इसकी आवाज सुना देता हूँ, वो काफी भारी है, हिल भी नहीं रहा। ये देख सकते हैं आप कितना भारी है ये। बाकी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, ये देखिए। ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आने वाले समय में बहुत सुंदर घाट बनने वाला है। उधर देखिए सिग्नेचर ब्रिज आपको दिख रहा होगा और ये घाट कुछ इस तरह से होने वाला है। यहाँ देखिए कितने अच्छी तरीके से इसको घाट को बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं सीढ़ियां भी बनाई गई है। जब भी यहाँ पे यमुना जी अपना रुद्र रूप लेगी तो कुछ इस तरह से पानी यहाँ तक आ जाएगा और ये घाट बहुत सुंदर दिखेगा आने वाले समय में। वहां पे आपको आरती देखने को मिलेगी जो कि 7-8 बजे के बाद होगी। बाकी आप ये देख लीजिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए। और ये सीढ़ियां बनाई गई है घाट की और बाकी काम अभी भी यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी काफी टाइम लग सकता है इसको पूरा होने के लिए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या कितना बन चुका है, कितनी अभी तैयारी चल रही है और आरती होने में कितना समय है, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आगे चलकर आपको कुछ इस तरह से ये स्तंभ देखने को मिलेंगे, इसके अंदर लाइटें लगाई गई हैं जो कि रात को जलेंगी और इतना सुंदर ये पार्क बनाया गया है। देखिए बरगद का पेड़ भी यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे इसमें आप कलावा भी बांध सकते हैं। आगे ये सब कुछ जो डेकोर होगा सब इसी तरीके से होगा। साउंड सिस्टम चालू कर दिया गया है और भक्ति गीत चल रहे हैं। बाकी आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या आपको और देखने को मिलेगा, ये देखिए कितना सुंदर दिखाया है। बहुत सुंदर ये होने वाला है, ये देखिए कि ये एक बहुत अच्छा स्पॉट ये बनाया गया है। चारों तरफ इस तरह के स्तंभ बनाए गए हैं जिनमें लाइटें चलेगी रात को और एक बीच में फूलों का एक वो बनाया गया है चौकी सी और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं, ये देखिए आप। दोस्तों वहां से थोड़ा सा आगे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एक चित्रकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए छोटा सा मट्टी का पहाड़ बनाया गया है और यहाँ पे एक चेहरा चित्रित किया गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं।
कितना सुंदर यह बनाया गया है, ये देखिए फूल पत्तियां घासों से इसके केस बनाए गए हैं, बाल बनाए गए हैं और सीमेंट के थ्रू इसकी आंखें बनाई गई है। और आप देख सकते हैं इसको पूरा फेस का डिस्प्ले दिया गया है, आप देख सकते हैं ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और इसके फूल आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं देखिए। दोस्तों चलते हैं अब आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ और क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए कुछ इस तरीके से स्तंभ बनाए गए हैं, इसमें आपको शाम के टाइम लाइट जलती हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी देखिए वहाँ पे डांस चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे नृत्य भी होता है, भजन भी होता है, सब कुछ यहाँ पे होने लगा है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे से कैलिब्रेशन इसको किया जा रहा है, बहुत अच्छे से इसको मनाया जा रहा है। इस वासुदेव घाट को बहुत अच्छी तरीके से मान्यता यहाँ पे मिलने वाली है। ये देखिए आप पब्लिक देख सकते हैं कितनी सारी आ रही है यहाँ पे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। तो भाई शाम के 7 बज चुके हैं और ये आरती का समय हो गया है, आरती की तैयारी की जा रही है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों चिरागी जलाई जा रही है, आरती होने वाली है। देखिए गोविंद बोलो गोपाल श्री राधे भज विश्वनाथ हे चंद्रचूर्ण मदनम नगशूल पाणे आणो गिरेश गिरिजे धमहे दंभो भूते दुभीति भयदो धन वामनाथ संधार दुख गहना जगदीश रक्षः ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ईधग्गुङ्गः वे राजानाम् वे अद्भुताः वे अद्भु ध्याय परामम्बिका महारानी।
अवतारम संहार धारम भुजगेन्द्र हारम सदावशंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चमिता त्वमेव त्वमेव बंधु जलघा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे विष्णुवत्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् कालिन्यै च विद्महे सूर्यपुत्रै च धीमहि तन्नो यमुना प्रचोदयात् ततो प्रार्थना ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विद्वविनो यिनि नन्दनुके गिरवरविन्दशिरोदिनि वा यिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुके भगवति हेति दिगन्तनिहैलनुदे ऐलगदम्बगदम्बवन प्रियवासिनि तु शिनिहासिरथे शिखरशिरोमणितुङ्गहिमाल श्रृङ्गनिदालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैतवगन्ध महिद विदारिणि हासिरथे जय जय हे महिद सुरमरदनि रम्यगवद्धनिहैलनुदे ऐलुमनत्तु मनत्तु मन सुमन सुमनो रमकान्तियुते चितरजनी रजनी 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 करवक्रव्रदे सुनयन विप्रमर नमर प्रमर रमर प्रमरादिव्रदे जय जय हे महिषा सुरमर्दनि रम्यगवद्धनि हैलदुते पुष्पाञ्जलि अर्पण करौ ग्रहण करो हे मात दया दृष्टि अभिराधियो शरण पड़े की लाज शरण पड़े की लाज विश्व का गौ माता की गंगे मैया की यमुना महारानी की हनुमान जी महाराज की धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की पार्वती हरा 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 महादेव शंभुः सभी लोग क्रमवाइज आएंगे आरती लेंगे प्रसाद लेंगे उसके पश्चात आपकी वहाँ पुनः प्रसाद की व्यवस्था है सामने वहां से प्रसाद लेके जाएंगे दोस्तों। जैसा कि आपने देखा आरती हो चुकी है जमुना घाट पर और बहुत अच्छी तरीके से आरती हुई है, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पे प्रसाद भी बट रहा है, प्रसाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे समोसे बट रहे हैं प्रसाद के तौर पे, और देखिए लाइन इतनी लंबी लगी हुई है वहाँ तक की। तो दोस्तों यहाँ पे प्रसाद भी बटता है और पूजा के बाद प्रसाद बहुत अच्छी तरीके से बांटा जाता है, आप देख सकते हैं इधर। और अभी भी वहाँ पे कीर्तन वगैरह चल रहा है और भजन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए आप भी यहाँ पे दर्शन कीजिए और जमुना घाट की आरती में शामिल होइए, बहुत शांतिपूर्ण यहाँ पे महसूस हो रहा है, मन को शांति मिल रही है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से रात के टाइम ऐसे लाइट वगैरह जलती है इसमें, और देखो कितना सुंदर लग रहा है चारों तरफ से। ये देखिए दूर दूर तक जितने भी ये स्तंभ बनाए गए थे, पिलर है जो, सब में लाइट लगी हुई है, और देखो कितनी सुंदर लग रही है। देखिए ये देखिए, और वो पंडाल है जहाँ पे आरती हुई थी। अब जाने का समय हो गया है, मैं जा रहा था तो सोचा आपको एक बार रात का भी दृश्य दिखा दूँ। ये देखिए दोनों तरफ हाथी हैं, हाथी बनाए गए हैं और बीच में पंडाल बनाया गया है,
जहाँ से आरती की जाती है जमुना माता की, जमुना जी की। ये देखिए रात में कितना सुंदर लग रहा है। एक बार मैं आपको पास में चल के दिखा देता हूँ रात का व्यू कैसा होता है यहाँ पे। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों कमेंट में लिख दिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।